हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं नोटिस। इससे पहले हमने नोटिस के फॉर्मेट के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक नोटिस कैसे बनाते हैं। तो आज हम क्वेश्चन के माध्यम से एक नोटिस को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे सपोज यू आर रमेश कुमार स्टडिंग इन काव्य पब्लिक सेकेंडरी स्कूल बारन। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज नेशनल सर्विस कैंप इन योर स्कूल। ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स इनफॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट इट। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि आपका नाम क्या है, रमेश कुमार, और आप काव्य पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले हो। आपका विद्यालय, तो आपके विद्यालय के द्वारा एक नेशनल सर्विस कैंप का आयोजन किया जा रहा है और उस नेशनल सर्विस कैंप की सूचना आपको विद्यालय के सभी स्टूडेंट्स को देनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोटिस का निर्माण करना पड़ेगा और नोटिस के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को सूचित करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि एक नोटिस कैसे बनाया जाता है। जैसा कि हमने फॉर्मेट में पढ़ा था कि कोई भी नोटिस बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बॉक्स का निर्माण करना होता है। बॉक्स का निर्माण करने का मतलब क्या है कि बॉक्स से ये पता रहता है कि यह नोटिस कहीं ना कहीं ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लगा हुआ है। तो सबसे पहले कोई भी नोटिस बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, जो स्कूल या फिर जिस संस्था के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है तो उसका हम क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं। तो हमने लिखा काव्य पब्लिक सेकेंडरी स्कूल रामनगर कॉलोनी 12। स्कूल का नाम हो गया। सेकेंड नंबर पर हमने डेट लिख दी कि कौन सी डेट को हमारा नोटिस जारी हो रहा है। नंबर थर्ड पर हमें क्या लिखना होता है, नंबर थर्ड पे नोटिस शब्द और उसके नीचे क्या करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। और नंबर फोर हमने लिखा है नेशनल सर्विस कैंप जो हमारा हेडिंग है। तो कल हमने जब फॉर्मेट लिखा था तो फॉर्मेट में समझा था कि सबसे पहले नंबर वन पे क्या लिखा जाता है, नेम ऑफ स्कूल या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद में एड्रेस लिखा जाता है, एड्रेस ले हो गया, डेट हो गई, नोटिस हो गया और हेडिंग हो गया। आइए अब हम जानते हैं किसके बारे में, इसके आंसर के बारे में, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में। All the students are informed, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। That का मतलब कि our school is going to organize a NSS camp in school campus on 20th July 2021। कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय के द्वारा हमारे विद्यालय के प्रांगण में एक NSS कैंप का आयोजन किया जा रहा है। किसका, NSS कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो द स्टूडेंट्स, वह विद्यार्थी, हु वांट, जो चाहते हैं, टू जॉइन द कैंप, इस कैंप में शामिल होना, मे गिव देयर नेम्स, वे अपना नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड By 15th July 2021। किसको अंडरसाइन, अंडरसाइन का मतलब होता है रमेश कुमार को जिसने नीचे क्या किया है, सिग्नेचर किया है। और कितनी तारीख तक, 15th July 2021, 15 July 2021 तक। और नीचे हमने क्या कर दिया, नाम लिख दिया रमेश कुमार सेक्रेटरी कल्चरल एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर किसका नाम लिखा जाता है, जिसके द्वारा हमारा नोटिस जारी किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का ये था नोटिस। आशा करता हूँ कि आपको निश्चित रूप से
इस क्वेश्चन का जो आंसर कैसे बनाया जाता है, नोटिस का जो आंसर कैसे बनाया जाता है वो समझ में आ गया होगा। और हम आगे की वीडियो में और नोटिस लिखकर और क्वेश्चन के माध्यम से नोटिस बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।